हेलो एवरीवन, मैं हूं विनोद कुमारी। सात्विक रसोई की एक और कुकिंग अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं धुली मूंग की दाल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम इस दाल को अच्छे से धोएंगे। मैंने इस दाल को तीन बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको डिप करेंगे। तो जिस कटोरी से मैंने ये दाल ली थी वो मैं चार गुना पानी इसमें डालूंगी, कटोरी से माप के। एक, दो, तीन, चार। अभी इसके अंदर मैंने चार गुना पानी मिला दिया है, और अभी हम इसको एक घंटे के बाद बनाएंगे। आपके पास जितना भी टाइम हो, आप आधे घंटे के लिए डिप कर सकते हो, या एक घंटे से ज़्यादा भी डिप करना चाहो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इस दाल को एक घंटे के लिए डिप कर रही हूँ। दाल को भीगे हुए एक घंटा हो चुका है, और अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो दाल है वो बहुत अच्छे से फूल भी चुकी है। तो अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तो तड़का पाट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा चम्मच जीरा, और एक टुकड़ा दालचीनी, और एक बड़ी इलायची, आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और एक छोटा चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, और एक छोटी चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग एक छोटा चम्मच नमक, दो टमाटर लिए हैं, एक टुकड़ा अदरक का, दो हरी मिर्च, और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर हींग। दाल बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने शिशु का कुकवेयर। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। अब डालेंगे इसके बीच में देसी घी। जैसे ही घी गर्म होता है हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। जीरा भुन गया, और जीरे के साथ ही मैंने यहाँ पे बारीक बारीक अदरक को काट लिया था। अब जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जाएगी इसके बीच में हींग, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, मसाले हमारे भून चुके हैं, दो टमाटर और दो हरी मिर्च को मैंने इसको क्रश कर लिया था। गैस को सिम कर देंगे और इसको भूनने देंगे हम इसके बीच में। यहाँ पर हम दाल का जो पानी है उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसको फेंकना नहीं है, दाल के बीच में ही हम डालेंगे। तड़का हमारा जो है वो भून गया है।
अब इसके बीच में डाल देंगे दाल। इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, साथ में ही डाल देंगे यहाँ पे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। एक मिनट तक मैंने दाल को यहाँ भून लिया है। अब इसके अंदर जाएगी देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब दाल हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब दाल के बीच में मैंने जो 4 कटोरी पानी डाला था उसको हम ऐड कर देंगे। एक कटोरी के बीच में 5 गुना पानी जाता है, जितनी जो कटोरी आपने दाल की ली है। तो 4 गुना पानी मैंने पहले डाल दिया था और 1 कटोरी और मैं इसमें ऐड करूंगी। इतना पानी हमारी दाल के लिए काफी रहेगा। अभी हम लिड को लगा देंगे और गैस को कर देंगे सिम और 100 तक आने का वेट करेंगे। देखिए हमारी जो नीडल है 100 तक जा चुकी है और 100 पर पहुंचने पर हम इसको 5 मिनट और सिम आंच के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें तड़का लगाया है और इसमें जो टमाटर है वो गलने में थोड़ा सा वक्त लगाता है। अगर हमने इसमें तड़का पहले ना लगाया हो तो 100 पर आने पर हम गैस को बंद कर देंगे, तब तक हमारी जो दाल है उबल जाती है। लेकिन जो अगर हमने तड़का पार्ट पहले कर लिया है और उसमें टमाटर ऐड किया है तो गलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसके लिए हम इसको 5 मिनट और सिम आंच के ऊपर रखेंगे। 100 तक पहुंचने में ये टोटल 10 मिनट लगे हैं और 5 मिनट इसको और हम सिम आंच के ऊपर उबलने देंगे। 5 मिनट की वेटिंग के बाद अब मैं ढक्कन को ओपन कर रही हूँ। अभी हम गैस को ऑन कर देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको ओपन में उबालेंगे। बस 2 मिनट के लिए उबालेंगे। दाल हमारी वैसे बन चुकी है, बस 2 मिनट के लिए इसको और उबालेंगे। 2 मिनट तक हमने दाल को उबलने दिया है और अब हम गैस को करेंगे बंद। हमारी जो दाल है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब इसके बीच में जाएगी धनिया पत्ती। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी दाल बनके तैयार हो चुकी है। जो कुकर में दाल बनती है ना, उससे ये डबल टेस्टी बनती है वॉक में बनाने से। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस दाल को आप चपाती, परांठा, राइस किसी के साथ भी खा सकते हो। ये सब के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी मेरे स्टाइल में ये दाल बनाकर ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।